तो हे गाइस वेलकम बैक, कैसे हो। आज की इस वीडियो में मैं आ चुका हूँ एक और जबरदस्त टॉपिक लेकर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पांच बिगेस्ट अनसॉल्व मिस्ट्रीज इन नारुतो के बारे में। यार ऐसे बहुत चीजें जो कि नारुतो में पूरी तरीके से नहीं बताया, एंड उनमें से पांच सबसे बड़े चीजें काट के लाया हूं मैं इस वीडियो में। हाँ, फिर वीडियो को शुरू करते हैं विथ रैंकिंग नंबर 5। नंबर 5 पे मैं रखना पसंद करूंगा सेंजू क्लैन। देखो यार, सेंजू क्लैन कहां गए। यार सेंजू क्लैन एंड उचिया क्लैन दोनों बहुत ही बड़े दुश्मन थे पहले, एंड उसके बाद दोस्त हो गए। एंड अभी उचिया क्लैन है लेकिन सेंजू क्लैन नहीं। मतलब नारुतो के टाइम हमें सुनादे के अलावा एक भी सेंजू क्लैन के कैरेक्टर को नहीं दिखाया गया है। तो बाकी सेंजू क्लैन के मेंबर्स कहां पे गए, इनके बारे में लिटरली हमें कुछ भी नहीं पता। तो अभी बढ़ते हैं हम रैंकिंग नंबर 4 पे। नंबर 4 पर आता है नामिकाजे क्लैन का सीक्रेट। देखो यार, नामिकाजे क्लैन के बारे में बहुत ही सारे अनसॉल्व मिस्ट्रीज है। देखो यार, हमें अब तक नामिकाजे क्लैन का सीक्रेट जुत्सु बताया नहीं गया है। मतलब हर क्लैन का एक अपना स्पेशलिटी होता है, एक अपना जुत्सु होता है, जो कि हमें नहीं बताया गया है नामिकाजे क्लैन का। वेल, हमें एटलीस्ट मिनाटो तो यूज करते हुए दिखाना चाहिए था, लेकिन नहीं दिखाया। हमें मिनाटो को सिर्फ फ्लाइंग राजिन जुत्सु यूज करते हुए दिखाया गया था, जो कि सेकंड होकागे का था। मतलब नामिकाजे क्लैन के बारे में हमें लिटरली कुछ भी नहीं पता है। फिर अभी बढ़ते हम रैंकिंग नंबर 3 पे। नंबर 3 पर आता है वुड स्टाइल जुत्सु। देखो यार, हमें बताया गया था कि हाशिरामा के अलावा और कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि वुड स्टाइल जुत्सु यूज कर सकता है। यामाटो के अंदर हाशिरामा के सेल्स प्लांट किए थे, जिसकी वजह से वो वुड स्टाइल यूज किया है। नेचुरली कोई भी नहीं कर सकता है। देखो यार, हमें एनिमे में दिखाया गया था कि वाटर स्टाइल एंड अर्थ स्टाइल रिलीज यूज करने पर वुड स्टाइल बनता है, लेकिन ये दो स्टाइल किसी को भी नहीं आया जैसा तो नहीं रहेगा ना। मतलब हाशिरामा के बच्चे एंड उनसे उनके बच्चे, उनको तो आना चाहिए ना एटलीस्ट। एंड इसके बारे में भी हमें कुछ भी नहीं बताया गया है। अभी हम बढ़ते हैं रैंकिंग नंबर 2 पे। सो नंबर 2 पर आता है इताची को क्या हुआ था। देखो यार, इताची वर्सेस सास्के फाइनल बैटल से भी पहले से इताची को इलनेस था, एंड ये इलनेस जान ले सकने वाला था। एंड हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। हमें बताया गया था तो सिर्फ उसे इलनेस था, दैट्स इट। हमें ये नहीं बताया गया कि वो इलनेस कहाँ से आया, कैसे इफेक्ट हुआ इताची को, एंड बहुत कुछ। अभी थोड़ा बहुत डिटेल में उसके बारे में समझा देते तो मजा आ जाता था यार। फिर अभी बात करते हैं हम दी मोस्ट बिगेस्ट अनसॉल्व मिस्ट्री के बारे में। नंबर 1 पर आता है लॉर्ड जैशिन कौन है। देखो यार, आपको पता होगा हिडन लॉर्ड जैशिन को वर्शिप करता है, एंड जिसकी वजह से वो इमोर्टल है। एंड इतने बड़े चीज के बारे में, यानी इमोर्टैलिटी के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया गया है। मतलब क्या होता अगर दूसरे लोग भी हिडन जैसे वर्शिप करते लॉर्ड जैशिन को, तो क्या वो भी इमोर्टल बन सकते। ये थे पांच बिगेस्ट अनसॉल्व मिस्ट्रीज इन नारुतो। अगर आपको और भी कुछ पता है तो मुझे कमेंट्स में बता देना। मिलते हैं हम अगले वीडियो में ऐसे ही जबरदस्त कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।